हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त, यानी कि जब आप रीडिंग देख रहे होंगे या रीडिंग देख रहे होंगे, तो इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन जो भी हो, आप मैरिड है, अनमैरिड देख सकते हैं, सबके लिए रीडिंग ओपन है। तो मैंने यहाँ पे पिकअप पाइल कर रही हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 है येलो कार्ड, पाइल नंबर 2 है स्काई ब्लू, और पाइल नंबर 3 है ये ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप नंबर से चुनना चाहते हैं नंबर से, अदरवाइज कलर आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा चुनना चाहते हैं, उस तरह से चुन लीजिए। चलिए मैं आपको मिलती हूँ पाइल नंबर 1 से, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके गाइस, पहले एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। अगर आपसे एनर्जीज मिलती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए पाइल 1 के लिए रीडिंग करते हैं क्या आता है। यहाँ पे रख देती हूँ गाइस को मैं। ओके, पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग आती है, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 1 के लिए मेरे जो व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं, इस रिलेशनशिप में आप दोनों में क्या चल रहा है, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। दो कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला है हीलर ऑफ द एजेस एंड दूसरा है नंबर 8 इंडिसीजन। ओके, टू कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, उसके बाद बताती हूँ। स्पिरिट्स में डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर और उनके बीच में क्या चल रहा है। ओके, टू कार्ड्स आए हैं गाइस हमारे, देख लेते हैं क्या आता है। ओके, नंबर 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और नंबर 46 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन। ठीक है, तो अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं हम। ओके गाइस, तो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो नंबर 51 का कार्ड हमें बताता है कि हीलर ऑफ द एजेस। इस कार्ड को देखिए तो ये पता चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से पास्ट में दुखी हो चुके थे और वो हील होना चाहते हैं मेंटली, इमोशनली, जो इलनेस उसमें है वो उससे बाहर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को हील करना चाहते हैं और इस हीलिंग प्रोसेस में वो चल रहे हैं अभी। आप या आपके पार्टनर किसी बात को लेकर दुखी थे और उससे बाहर आना चाहते हैं, उनको इनडिसीजन की स्थिति में, यानी कि दो राहें पर हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है उनके पास दो चॉइस हैं, हो सकता है दो राह ही हैं जिस पे वो जाना चाहते हैं। आपको कनेक्शन को इतना पावरफुल मानते हैं कि आपके पास आने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है। इनडिसीजन का कार्ड ये भी बताते हैं कि कोई और पर्सन है जिसके बारे में वो सोचते हैं, या आपके पास आने के लिए उनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़नी पड़ेगी जो उनकी लाइबिलिटी हो सकती है। ये कार्ड ये भी कहता है कि लेकिन अब उन्होंने अपनी, ये जो 51 का कार्ड है हीलर ऑफ द एज, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अब उन्होंने अपनी माइंड में क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ चुकी है और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस कनेक्शन में वो हों, वो हो सकता है ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा गाइस, तो जिस कनेक्शन में वो हैं वहां से वो बाहर आना चाहते हैं उस कनेक्शन में। इस कार्ड का मतलब ये है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं मेंटली, जो इलनेस उनमें है या मेंटली इमोशनली वो जो बहुत आपके लिए सोचते हैं, तो उससे वो बाहर आना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। 42 का नंबर का कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये आपका, आपको ये आपके लिए आया गाइस कार्ड नंबर 42 का कार्ड है। आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, यानी कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास ना तो फाइनेंशियली वेल्थ है आपके पास, बल्कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पास आने के लिए उनको जो करना है उनको पता है, यानी कि आप एक उनके जीवन में एक ऐसी खुशी है जो कि वाकई में उनके है। आपको एक लकी चार्म भी मानते हैं, अपना लकी चार्म मानते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो ना सिर्फ उनको इमोशनली आप सेटिस्फाई कर सकते हो बल्कि उनको फाइनेंशियली भी अधिक अच्छी एडवाइस दे सकते हो, आप उनके एडवाइजर बन सकते हो।
आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं, आपके कनेक्शन में जो भी बातें हैं उनमें वो दो डिसीजन में है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। नंबर 40 का कार्ड है उनका, इस बात को वो क्लियरली पहचानते हैं कि सिक्स चक्रम आर्कएंजल मेट्रॉन ये कहता है कि आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में जो भी सोचते हैं उसकी क्लियरिटी उनकी माइंड में है, यानी कि वो अपने थॉट्स को लेके, आपको लेके या कनेक्शन को लेके बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे आपके पास आना है तो किस तरह आना है। ये चीज़ें उनमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, और ये जो आर्कएंजल मेट्रॉन है उनके साथ है, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ है। ये एंजल्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उस स्टक एनर्जी से बाहर आ चुकी हैं। हालांकि उनके माइंड में दो राह ही पे चल रहे थे, उससे कुछ बातों से स्टक थे, वो स्टक एनर्जी से बाहर आके अपनी थर्ड आई को ओपन कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको बातों की क्लियरिटी यानी कि आपकी रिलेशनशिप में कैसे आगे आना है वो ये बिल्कुल जान चुके हैं कि आपके पास आने के लिए उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको क्या करना होगा, ये सब आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करेंटली फीलिंग्स क्या हैं। ये तो हो गई आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, अब हम देख लेते हैं करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर की जो पार्टनर है वो करेंटली फाइल वन की जो पार्टनर है वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओह, एक जंप आउट हुआ है कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स, ये आने को है गाइस, दो कार्ड आ चुके हैं मेरे पास। वाओ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड लेंगे। चलिए हमारे पास कार्ड आए सारे ही ले लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें ओके थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगी मैं। यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं साइंस की बात करें तो हमारे पास एयर साइन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस आपके, आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, और पेंटिकल्स की एनर्जी भी, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हमारे पास है। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, और जेमिनाई स्पेशल है क्योंकि लवर्स का कार्ड है हमारे पास। तो सारी साइंस के लिए रीडिंग है ही, सारे साइंस आ चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे पास, लेकिन एयर साइन सबसे ज़्यादा है जिसमें स्पेशल है जेमिनाई। ओके, तो आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, वो करंटली आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं या सब चीज़ों से ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप को हील करने की कोशिश, सबसे फर्स्ट कार्ड ही हमें बता रहा है, हीलर ऑफ द एज का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को दुखों से हील करना चाहते हैं, अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में सब चीज़ों से ब्रेक ले रखा है। मुझे लगता है कि कोई जो आप उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनसे भी उन्होंने ब्रेक ले लिया, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ये लग रहा है कि सब चीज़ों से ब्रेक ले लो, किसी को कुछ मत कहो, किसी से बात नहीं करना चाहते। उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए, आपके पास आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो किस तरह आया जाए, क्योंकि आपको मानते हैं वो कि आप ऐसे पर्सन हो, एम्प्रेस की तरह हो, उनको आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास सब कुछ है। अगर उन्होंने उनके लिए, उनके पास आना है एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी इज्जत करते हैं, उसके पास आना है तो किस तरह आना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो यात्रा करके भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है किसी चीज को लेके, जिसके बहुत परेशान भी हैं वो। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ज्यादा और भी इश्यूज हैं, और भी लोग हैं जिन आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको सॉल्व करनी है, यानी कि बहुत सारे झगड़े, किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, घर वालों से लेके या परिवार हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी मुझे लग रही है, यानी कि और भी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं आपके अलावा भी। या मुझे ये कार्ड ये भी कहता है कि अब वो कुछ भी हुआ इस आपके लिए जीत हासिल करना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक वॉरियर बनना चाहते हैं, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, आपके लिए एक कदम उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने छुपाया है आपकी, आपसे बहुत कुछ अपने बारे में छुपाया है उनसे, और उन्हें लगता भी है कि आप बता देने की बारी आ चुकी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अभी मुझे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये लग रहा है कि
उन्होंने कुछ जो भी छुपाया है, आधी बात बताई है आपको, आधी बात नहीं बताई, तो आप जो भी छुपाया है उसको क्लियर करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, आप उनको समझें, इसलिए वो सारी बात आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टेन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ वो हैप्पी फैमिली देखते हैं, यानी कि आपके साथ घर परिवार बच्चे इस तरह का देखते हैं, लेकिन कुछ स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन परिवार के बारे में ये भी हो सकता है कि उनके परिवार के इशू हों, यानी कि उनके ऑलरेडी एक फैमिली उनके साथ है जिसको शायद आप उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उनकी शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, इस तरह की एनर्जी जो आपसे छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है इस कार्ड का मतलब। लेकिन दूसरा मतलब देखें तो आपके लिए एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन मानते हैं, अपने आप को कंप्लीट मानते हैं, आपके साथ जब होंगे तो ना सिर्फ उनका लक जागेगा बल्कि आपको एक लक्ष्य चांग की तरह मानते हैं, और अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी हो जाएगी जिससे जो कमी है वो पूरी हो जाएगी उनकी ज़िंदगी में। मुझे कहने का मतलब ये है, लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने भाग्य में मानते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड आपको मानते हैं, मतलब इस कनेक्शन को मानते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है, आप दोनों में जो भी फीलिंग्स है वो इक्वल है, आप वो भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत बेहद प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड ही कहता है कि दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है, यानी कि दोनों में जो प्यार है वो बिल्कुल म्यूचुअल है। ये कार्ड ये भी बताता है कि चॉइसेस की बात भी करता है कार्ड, तो जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास और कोई डिसीजन का कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि कोई और भी पर्सन है जिसके बारे में उनको सोचना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी सोचना पड़ रहा है, जिसके कारण वो आपके पास नहीं आना चाहते, और कुछ ऐसा भी है जो वो छुपा 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 रहे हैं आपसे, यानी कि मैं कहना चाहूँ तो हो सकता है कि वो किसी से ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो बात छुपा ली आपको और आप बताना चाहते हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि कोई और रिलेशनशिप में है जिसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत का ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं ग्राउंडेड, जो कि बहुत बहुत सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी आपको शादी के लिए कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो भी ऑफर आपको मिलेगा एक सॉलिड जिसमें स्टेबिलिटी हो, इस तरह का एक ग्राउंडेड एनर्जी हो जिसमें हो, जिसमें एक डिटरमाइनेशन मतलब दिमाग में जो उनकी चल रहा है वो बिल्कुल उसकी उसके लिए बिल्कुल फिक्स है कि नहीं मुझे ऐसा ही ऑफर देना है। आपको जानते हैं कि आप थोड़े बहुत में सब्र नहीं करेंगे, आपको पहचानते हैं कि वो एक एम्प्रेस की तरह हो, आप एक ऐसी वुमेन हो जिसके पास सब कुछ है, तो आपके पास आने के लिए एक सॉलिड ऑफर देना उनको बहुत ज़रूरी है, ये वो जब बात जानते हैं। तो ये करंट फीलिंग है गाइस, और इस मामले में अगर आपको कोई ऑफर मिलेगा तो वो डेफिनेटली बहुत बहुत डिटरमाइन होके करेंगे, यानी कि दिमाग से आपको देंगे जो भी ऑफर देंगे, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा वो जो भी होगा वो बहुत ट्रस्ट के लायक होगा वो जो भी ऑफर होगा आपके पास जो आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, ये भी देख लेते हैं हम। स्पिरिट समिट टू कार्ड्स रही कि क्या एक्शन लेंगे, कुछ कहेंगे ऑफर का तो हमने जान लिया कि ऑफर देना चाहते हैं आपको, करंटली यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक्शन हो सकता है इनका नियरेस्ट फ्यूचर में, क्या एक्शन हो सकता है, चलिए और देख लेते हैं। ओ बहुत सारे आ गए गाइस, ये नहीं ले सकती मैं, एक मिनट। नियरेस्ट फ्यूचर में क्या करेंगे स्पिरिट से हमें बताइए, टू कार्ड्स और लूंगी मैं, अगेन बहुत सारे आ गए, हम नहीं ले सकते गाइस, चलिए टू कार्ड्स, स्प्लिट सिर्फ टू कार्ड्स चाहिए मुझे, स्प्लिट टू कार्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एक कार्ड और चाहिए। ओके गाइस, हमारे पास कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है स्ट्रेंथ लियो, तो आप ही आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, तो यानी कि वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में वो देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं रहे उनको बहुत सारे। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने नियरेस्ट फ्यूचर देखा है तो वो किसी भी ऑफर को अब नहीं लेंगे, क्योंकि आपके आपको एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है हमारे पास, तो ये किसी और ऑफर की या किसी भी बारे में और नहीं सोचना चाहते क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक जगह बना ली है आपकी, और आपको आपकी तरफ आने के लिए उनको स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं अपने आप में। तो कुछ दिन बाद आपके नियरेस्ट फ्यूचर में यही होने वाला है कि वो अपने सारे ऑप्शन के बारे में भूल जाएंगे, बल्कि आपको एक आपकी तरफ आने के लिए एक ऑफर देने के लिए अपने आप में स्ट्रेंथ जुटाएंगे, और ये कार्ड ये भी कहता है कि जो स्ट्रेंथ होगी वो आपको आपकी तरफ आने में उसकी बहुत मदद करेगी, यानी कि आपके पार्टनर की बहुत मदद होने वाली है। ये भी हो सकता है कि कोई कोई फ्रेंड का या किसी किसी की मदद वो आपके पास आने में ले, तो ये हो सकता है। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि जो स्ट्रेंथ उनमें आएगी उससे वो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स देंगे, यानी कि आपके लिए जो ऑफर आने वाला है वो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ अपने आप में जुटाएंगे।
कहीं ना कहीं ये कार्ड ही भी बताता है कि आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको सपनों में देखते हैं वो, और भी चॉइस है उनके बारे में नहीं बल्कि आपके आपको सपनों में देखते हैं, ये कार्ड का मतलब होता है। तो इन दोनों कार्ड से हमको लगता है कि बहुत जल्द वो आपके पास आएंगे। स्ट्रेंथ अपने आप में चाहते हैं कि वो उनके पास एक ऐसी ताकत आ जाए जिससे आपके पास आने में उनको कोई झिझक ना हो। तो ये थी रीडिंग पाइल वन की। चलिए हम अब पाइल सेकेंड की ओर चलते हैं। कुछ भी पसंद आता है गाइस, लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट रीडिंग में चलते हैं पाइल टू की तरफ। हेलो पाइल टू, तो जिन्होंने पाइल टू चूज किया था उनके लिए क्या रीडिंग आने वाली है हम देख लेते हैं। चलिए जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद उस पार्टनर का फोन कीजिए जिसके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि पाइल टू के जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर उनके लिए उनके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, इन दोनों की क्या एनर्जीज हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं वो। चलिए एक कार और चाहिए, इस पर से मेरी मैंने बैठ कीजिएगा। माय गॉड, बहुत सारे आ गए गाइस, कार्ड बहुत सारे आ गए। चलिए हम देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, सारे ही ले लेते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत सारे कार्ड आए। चलिए सबसे पहला कार्ड आया था ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उसके बाद हमारे पास है 16 नंबर पेशेंस, ओके, उसके बाद हमारे पास है हीलर ऑफ द एज, इनडिसीजन, ये कार्ड पहले भी आया था, ये भी कार्ड पहले आया था गाइस, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए हैं गाइस, तो चलिए हम मैं बता देती हूँ, ये दो कार्ड ये तीन कार्ड पहले पाइल वन में भी आए थे, तो अगर आ गए हैं तो मुझे लेना पड़ेगा, वैसे ही देखना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर आपके लिए, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होती है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है, ये बताता है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में वो अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके फाइनेंस अच्छे हो जाएं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके पास वो सारी लग्जरी हो जो आपको दे सके। पेशेंस का कार्ड ये कहता है कि आपको वो पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं, अपने आप में बहुत धैर्य रख रहे हैं, आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता उनके मन में है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं आप बातों को लेके क्लियरिटी चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको वो एक तरह एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसके पास सब है, और जिसके पास सब होता है उसके पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आप में पेशेंस रख के वो आपके पास आना चाहती है, यानी कि बातों को जब तक वो अपने आप को अबंडेंट नहीं कर लेंगे, फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं कर लेंगे, उससे पहले आपके पास नहीं आना चाहेंगे। इसलिए आपको भी वो चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, उनका वेट करें। नंबर 51 का कार्ड ये कहता है हीलर ऑफ द एज, अपने आप को हील कर रहे हैं पुरानी बातों को लेके, जो भी उनको दुख मिले उनसे बाहर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी जो मेंटली पोजिशन, गाइज बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, सॉरी मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ बेयर विद मी। तो पाइल सेकंड के लिए जो हीलर ऑफ द एज का कार्ड है वो कहते हैं कि अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटली पोजिशन या जो इमोशनली अपने आप को हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो दुख उनको मिले हैं उससे बाहर आना चाहते हैं, एक स्टक एनर्जी थी उससे बाहर आना चाहते हैं। इन डिसीजन का कार्ड भी ये कहता है कि वो दो राह पे, दो चॉइसेस उनके पास हो सकती है, हो सकता है आपके अलावा भी कोई और हो, तो उसे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं या उस डिसीजन लेना चाहते हैं, एक पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं, और हो सकता है उन्होंने डिसीजन ले भी लिया हो, क्योंकि हमारे पास नंबर 40 का कार्ड आया जो कि थर्ड चक्र आर्केजन का मेट्रोन कहते हैं कि जो थर्ड चक्र होता है इंसान का, यानी कि जो थर्ड आई चक्र ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब ये इस कार्ड का कि अब उन बातों की क्लियरिटी उनके पास है, उनके आपके पास कैसे आना है उनको पता है, किस बात को प्रायोरिटी देनी है उनको पता है, और किस बात के लिए उनकी बातों में मतलब आपकी कनेक्शन को लेके वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो जो भी करेंगे डिसीजन, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, इन डिसीजन में अब वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने हील होना चाहते हैं वो, और उनको बातों की क्लियरिटी आ चुकी है। कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि ये कहता है कि अब आपके पार्टनर अबंडेंस के नीचे कार्ड आएगा, इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर नंबर 43 का कार्ड है,
अब आपके पार्टनर फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली वो बहुत सेट होना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो आप में जो चीज़ें आपको देनी है, जो प्रोवाइड करने हैं आपको, वो सिर्फ पैसे से आप खरीद सकते हैं, और हो सकता है कि आप शायद लगता है कि आपको ठीक ढंग से या सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए उनको ये सब फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, या एक पैसे की अबंडेंस आपको चाहिए जिससे आप उनको हर खुशी दे सकें, इस तरह की उनकी ख्वाहिश है। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल आपका जो हार्ट है उनके पास है, या कह लें कि उनका हार्ट आपके पास है, जिसको कहते हैं कि आप संभाल के रखिए उनका हार्ट, वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिसके बारे में आप रीडिंग देखिए गाइस, ये दोनों ही आ चुकी हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कार्ड ये भी कहता है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड कहता है कि अब आपका हार्ट उनके पास है, यानी कि मेरे व्यूअर के पास, आप मेरे व्यूअर का जो व्यूअर के जो पर्सन है, उनका हार्ट आपके पास है, और उस हार्ट को संभाल के रखने के लिए वो चाहते हैं कि आप उनके उनके लिए वेट करें, उनका वेट करें, कहीं ना कहीं आपके पास जो उनके पास जो अबंडेंस आने वाली है, उसके बाद वो आपके पास आएंगी, ज़रूर आएंगी, क्योंकि आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइफ पार्टनर की तरह वो देखते हैं। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई पर्सन, फीमेल पर्सन जो आएगा, वो ना सिर्फ आपके फाइनेंस को संभाल सकता है, आपके दिल को ही नहीं, आपके इमोशंस इमोशंस को समझेगा, बल्कि एक ऐसा एडवाइजर साबित होगा आपकी ज़िंदगी भर के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। तो ये उनकी फीलिंग्स है आपको लेके, आपके जो रिलेशनशिप में इसी कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की फील हो रही है। अब देखते हैं कि उनके करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं। चलिए गाइड देखते हैं, स्पिरिट से मुझे वही गाइड कीजिएगा, करंटली क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। याने को है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये भी कार्ड आया था गाइस फाइल वन में, क्या हो रहा है पता नहीं, एक जैसे रीडिंग। चलिए और देख लेते हैं कितने कार्ड आ चुके हैं, देखें ओके बहुत सारे आ गए गाइस, हम नहीं लेंगे, अगेन करती हूँ मैं। चलिए स्पिरिट से हमें वन बाय वन कार्ड दीजिए, मेरी फाइल टू की जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं। चलिए ये पहले भी आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन बहुत सारे आ गए, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं स्प्रिट्स वन बाय वन काट दीजिएगा। चलिए ये आने को है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, दी हैंगमैन, ओके फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, और एक लास्ट आ चुका है गाइस द मून। ओके गाइस, तो करेंटली वो क्या सोच रहे हैं हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और पाइसिस स्पेशल है हमारे पास, और वेंट्स की एनर्जी नहीं है, बाकी सारे साइंस है हमारे पास, तो साइंस तो कुछ भी हो सकता है गाइस, फोकस आपको रीडिंग पे रखना चाहिए। तो करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, करंटली वो सोच रहे हैं कि आपसे जो चीज़ें छुपाई है उसको आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सामने इस तरह क्लियरिटी के साथ आना चाहते हैं, आपके सामने अपनी दिल की बात खोलना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि क्विक डिसीजन लेता है, क्विक काम करता है, उसकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है इस किंग ऑफ सॉर्ड्स की प्लानिंग, कि वो जो चाहता है वो पाता है, यानी कि जो अब तक आपके सामने जो उन्होंने चीज़ें छुपाई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई है, लेकिन वो अब आपको डिक्लेयर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में है कि आपको बातों की क्लियरिटी मिल जाए। एक पे क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पास एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया नंबर 44 का कार्ड है, आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, और इसीलिए आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करने के लिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। द हैंगमैन कहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं, जब कोई आदमी हैंगमैन बन जाता है, यानी कि चीज़ों से उन्होंने ब्रेक ले लिया होता है सब चीज़ों से, तो अंतरात्मा से सोचता है और अपनी कहीं ना कहीं इंट्यूशन को फॉलो करता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जब ये हैंगमैन
कि पोजीशन से बाहर आएगा तो रिजल्ट बहुत बहुत पॉजिटिव आएंगे, यानी कि दिमाग से नहीं अपने दिल की सुनने लग जाता है आदमी। कहीं ना कहीं उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि, धक्का देती है उसको कि आपको ये करना है, ये उसमें बातों की क्लियरिटी उसमें आ जाती है। हालांकि उनका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो चुका है तो बातों की क्लियरिटी उनमें आ जाती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि अब आपके पास आने के लिए उनको कोई नहीं रोक सकता, आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो रिश्ते की नींव है उसको पक्का करना चाहते हैं, आपको एक गोल्डन कॉर्न की तरह अपने आप अपनी जिंदगी भर अपने पास रखना चाहते हैं। ये एनर्जी कहती है कि आप अब वो अपने रिश्ते की नींव पक्की करना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप उनकी विश हो, आप वो विश हो जो जिंदगी भर से वो चाहते थे, आप वो इंसान है जो कि उनकी लाइफ टाइम के लिए उनके पास रह सकता है, जैसा आपने चाहा था वही इंसान आप हो, ठीक है। और द मून का कार्ड ये बताता है कि बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पाइसिस का कार्ड होता है गाइस, तो जो भी आपके लिए सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी चीज़ों को फॉलो करेंगे, वो जो मन में होगा वो उसको फॉलो करेंगे, आप किसी और की नहीं सुनेंगे बल्कि अपने दिल की बातें वो सुनना शुरू करेंगे। आप देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे, ये तो हो गई करंट एनर्जीज, अब आपके लिए एक्शन क्या लेंगे वो देख लेते हैं हम। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि क्या एक्शन लेंगे। पाइल टू के जो पार्टनर हैं उनके व्यूअर, जो व्यूअर के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, टू कार्ड्स लेंगे साइड, स्पिरिट्स टू कार्ड्स दीजिएगा। चलिए हम कहीं से निकाल लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, बिल्कुल आपके साथ जस्टिस करेंगे। जो आप तक टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको वो अपनी प्लानिंग बताएंगे, यानी कि बातों की क्लियरिटी, जैसे कि मैंने कहा बातों की क्लियरिटी आपको जरूर देना चाहते हैं। और जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब ये भी होता है कि इसका कार्ड का मतलब डिवोर्स भी होता है और मैरिज भी होता है, तो आपके साथ जो भी करेंगे वो जस्टिस करेंगे, यानी कि न्याय की बात करेंगे। जो भी आप आपको उनको उचित लगता है कि न्याय की बात है तो वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, चाहे किसी को छोड़ना पड़े, जो आपने उनके साथ किया है वही आपके साथ वो वापस देना चाहते हैं, यानी कि जो प्यार आपने दिया है उनको वो वापस आपको करना चाहते हैं जस्टिस के रूप में। तो ये थी रीडिंग गाइस, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पाइल में, पाइल थ्री में। ओके गाइस, तो हेलो, जिन्होंने पाइल थ्री चूज किए उनके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं पाइल थ्री के लिए क्या रीडिंग आती है। तो सबसे पहले आपके रिलेशन में क्या चल रहा है उसकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा पाइल थ्री की। अभी नहीं हूँ रेडी मैं, चलिए वापस करते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा पाइल थ्री के व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो हम देखने वाले हैं। गाइस जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर को ध्यान कीजिए जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा पाइल थ्री के लिए व्यूअर जो हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है पाइल थ्री। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट, एक कार होल्डिंग प्लेस, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो गाइज आपके रिलेशन में क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्ड है नंबर 44, यानी कि जो आपके व्यूअर मेरे व्यूअर हैं उन्होंने अपने पार्टनर का हार्ट उनके पास है, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए ये सोचते हैं कि आप उनके एक लाइफ पार्टनर की तरह हैं। जो आपके व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं आपके लिए कि आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, और ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया है और आप उनको संभाल के रखें। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी जो जो एक ऐसे पर्सन हैं आप उनकी ज़िंदगी में जो और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, आपको इस तरह समझते हैं वो।
नंबर 44 का कार्ड है कि आप दोनों जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और एक दूसरे का हार्ट भी शायद आपने लिया हुआ है, यानी कि एक दूसरे को दिल दे चुके हैं आप। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे। नंबर 44 का कार्ड ये भी कहता है कि जो आपके जो व्यूअर के जो पार्टनर है, वो आपके लिए ये सोचते हैं, मेरे व्यूअर के लिए ऐसा सोचते हैं कि आप ना सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर बन सकते हो, बल्कि एक ऐसे एडवाइज़र बन सकते हो जो कि जीवन में उनको बहुत कुछ सिखा पाएंगे, यानी कि बहुत कुछ एडवाइस ऐसी देंगे जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर 3 का कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। गाइस मेरे पास थोड़े से मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए आप मेरे साथ बेयर कीजिए, उसको कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3 का कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो एक खुशी चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो आपको चाहिए, यानी कि एक ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो आपको आपके लिए प्रोवाइड कराना चाहते हैं। नंबर 32 का कार्ड है डोर टू स्पिरिट। बिल्कुल वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना चाहते हैं, कहीं कहीं स्पिरिचुअल, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि वो बातों की क्लियरिटी भी उनमें आ चुकी है। लेकिन अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बताता है, ये कहता है कि कोई किसी चीज़ से वो बंधे हुए हैं, यानी कि स्टक एनर्जी है, किसी कोई चीज़ है जो उनको बांधे हुए है, उससे निकलना चाहते हैं। हो सकता है इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि जो वो आपको ऊपर से बताते हैं खुश आपको दिखते होंगे, बहुत खुश, लेकिन अंदर से उनको क्या बंधन है, क्या क्या स्टक एनर्जी है, वो आप नहीं पहचान पाते। हो सकता है आपसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, क्योंकि यहाँ पे एक मुखौटा भी है। और जो देखिए एक मुखौटा जो हटा रही है एक लेडी अपने चेहरे पे से, उस देख रही है मुखौटे को, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत दुखी है और आपको दिखाते हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई अदर पर्सन है जिसके बंधन में वो बंधे हुए हैं पहले से ही, वो बंधन से छूटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं। नंबर 48 का कार्ड है एलिन, जो एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, यानी कि अपनी लाइफ में एक तरह का बैलेंस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी ऐसा पार्टनर जो कि उनकी लाइफ में खुशी ला सकता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, ना सिर्फ फाइनेंस को अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाके वो सारी खुशियों को बैलेंस करना चाहते हैं। चलिए कोई स्टक एनर्जी है तो उसे भी बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दो चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे इस कार्ड का मतलब होता है। चलिए करंटली क्या फील कर रहे हैं वो देख लेते हैं आपके लिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ गाइज। अपने इष्टदेव को याद कीजिए और फिर पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं। ओके गाइज, तो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये देखने वाले हैं हम। करेंटली 8 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आ गया, वाओ। ई कार्ड आने को है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। करेंटली क्या सोच रहे हैं, ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी है गाइस आपकी रिलेशनशिप में, ये हमको कंफर्म हो चुका है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आया है और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यानी कि दो क्वींस इनकी लाइफ में है, जो भी आपके व्यूअर के पार्टनर हैं उनकी लाइफ में दो चॉइस हैं गाइस। ये तीनों ही रीडिंग ऐसी हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ चुकी हैं गाइस, क्या बात है। एक कार्ड और लेंगे हम। फिर से एक कार्ड और दीजिए। चलिए आ रहा है, हम ये ले लेते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया गाइस आपको कि आपके एक्चुअली तीनों ही रीडिंग्स में कोई ना कोई अदर पर्सन जरूर आए, यानी कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है गाइस। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे गाइस, सॉरी गाइस कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे देख रही हूँ करंटली वो क्या सोच रहे हैं। करंटली वो सोच रहे हैं कि उनके पास जो चॉइस है उनका क्या किया जाए। वो सोच रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बातचीत आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि बहुत जल्द आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, या कोई बातचीत आपसे, फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, आपको बातचीत करना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है करंटली वो उनको यही आपसे बातचीत करने की इच्छा हो रही है, यानी कि आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कोई बात क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है वो बता रहे हैं आपको। किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एक प्लान प्लान किया है जिसको जिसको आप बताना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आपको शायद वो दो क्वींस के बारे में कुछ भी बताएंगे, उससे बातों की क्लियरिटी आपको आएगी। क्वीन ऑफ
कप्स का काढ़ा है, यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स उनमें है और वो फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी काढ़ा है, ये एक ऐसा पर्सन होता है क्वीन ऑफ सॉर्ड जो कि इगोइस्टिक होता है, यानी कि कोई भी ऐसा उनके पर्सन होगा, यानी मदर होंगी या कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी होगी उनकी लाइफ में जो कि उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी इसमें यहाँ पे फील हो रही है मुझे, यानी कि उनको दबाव डालती है किसी भी काम करने को लिए या कुछ मैनिपुलेशन करती है उनको किसी चीज़ को लेके दबाव डालना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील होती है। तो कोई ना कोई दबाव में आपके पर्सन हैं जो कि उस दबाव से बाहर आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, उनको शायद सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं भी पता हो, तो ये बात उनको पता है कि आप उनका उनका और आपका कोई ऐसा पास्ट कनेक्शन जरूर हो सकता है जिससे आप उनको छोड़ नहीं पाते, और आप उनको या उनको आप छोड़ नहीं पाते, या उनको आप दोनों की एनर्जी है कि आप एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, ऐसा कनेक्शन है। या हो सकता है कि आप स्कूल फ्रेंड्स हो या कॉलेज फ्रेंड्स हो, ये भी हो सकता है, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ वो जरूर फील करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने आप को बहुत ग्राउंडेड करना चाहते हैं, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ये आपको दिखाते होंगे, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके फाइनेंस अच्छे हो जाएं, कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंस को लेकर चिंतित है, लेकिन जब किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कमिटमेंट देता है, वो इन एंड आउट नहीं करता, किंग की पोजीशन ही ऐसी ये कहती है कि जो भी कमिटमेंट मिलेगा आपको उसमें ट्रस्ट होगा, जरूर आपके जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये भी कहता है कि एक ऐसा सॉलिड कमिटमेंट जो कि जिसमें कोई ट्रस्ट इश्यूज आपको कभी नहीं होंगे। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने आप को उन्होंने कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करते हैं, जैसे कि हमारे पास अटैचमेंट का कार्ड भी आया था नंबर 5, तो नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है, नंबर 5 5 तीन बार आएगा, इस 2 बार आया है, तो ये 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये जो स्टक एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, कुछ ना कुछ बंधन है और उस बंधन से वो छूटना चाहते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को छोड़ सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं इस स्टक एनर्जी से, पर ये खुद नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी है जो ऐसी चीज़ें हैं जो चाह कर भी नहीं कर सकते, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी जो नहीं कर पाता वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अब वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं, यानी कि सच्चाई बताना चाहते हैं आपको। एक सच्चाई पसंद इंसान होता है, एक पैशनेट इंसान होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा इंसान जो कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, अपनी स्किल्स बताता है, यानी कि आप कहें कि पहाड़ चढ़ना है बिल्कुल पहाड़ चढ़ जाएंगे, राफ्टिंग करनी है, जो भी किसी चीज़ से घबराते नहीं है, डर डर उनमें नहीं होता है, तो वो एनर्जी उनमें यहाँ पे लग रही है। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए, यानी कि मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए आया है, तो एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ वो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्लियरिटी बताएंगे और अपने आप को एक एनर्जेटिक इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि वो जो भी काम करेंगे जो भी करेंगे उसमें बिल्कुल क्लियरिटी आपको दें और एक सच्चाई के साथ आगे बढ़े। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि उनकी करंटली ये सोचते हैं कि वो सब चीज़ों से लड़ाई कर सकती है, जैसे कि मैंने कहा स्टक एनर्जी से बाहर आके वो ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ उनको इनर स्ट्रेंथ मिल चुकी है, यानी कि उनकी बातों में क्लियरिटी है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक वॉरियर की तरह जीत के योद्धा बन के आना चाहते हैं, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे भी उनको झगड़े करने पड़े, समझाना पड़े, जो भी बात उनको करनी है किसी और से, अदर पर्सन से, वो जरूर करेंगे, आपके लिए लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब ये तो देख लिया हमने करंटली क्या सोचे हैं वो वाली बातें, डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन जरूर आएगा और कुछ ना कुछ क्लियरिटी बातों की आपको जरूर मिलेगी। आप देख लेते हैं एक्शन क्या होंगे, नियरेस्ट फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। जज जजमेंट का कार्ड आ गया गाइस, देखिए आप एक और कार्ड लूंगी। जजमेंट का कार्ड एक वेकअप कॉल भी होता है गाइस, तो अब उनको समझ में आ चुका है कि जो भी आपको कोई आपके पार्टनर को जो भी कोई कुछ बता रहा था आपके बात बारे में, गलत बातें बता रहा था या आपके लिए कुछ कोई भी कुछ कह रहा था, तो वो बातें सही नहीं है, उनको पता लग गया है और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं। अब वो अपने किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, ये कार्ड ये भी कहता है कि किसी भी दबाव में नहीं रहना चाहते, जो जजमेंटल बात है वो करना चाहते हैं, यानी कि जो जो न्यायिक बात है वो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक वेकअप कॉल मिली है भगवान की तरफ से कि आपको इस तरफ जाना है, इस ये पाथ आपको चुनना है, तो वो डिसाइड कर चुके हैं। डिसीजन लेने का कार्ड होता है गाइस ये, तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, यानी कि एक्शन के रूप में आपके पास कोई ना कोई डिसीजन जरूर आने वाला है, उनका डिसीजन आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया था,
एक कार्ड और ले लेते हैं। बिल्कुल, डे हेरोफेंट का कार्ड आ गया गाइस, आपको कमिटमेंट जरूर मिलेगा। इस कार्ड का मतलब ये हस्बैंड का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, एक ऐसा सॉलिड कमिटमेंट, एक ऐसे इंसान जो कि स्टक एनर्जी से बाहर आ चुका है और बहुत ज्ञानी पर्सन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, जिसमें वो सब गुण होते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल मैरिज को मानता है, जो कि ट्रेडिशनली सारी बातों को ठीक करता है। जजमेंट का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड, दोनों कार्ड गाइज, ये टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पे जजमेंटल कार्ड लिब्रा भी हो सकता है, आपके जो पार्टनर है। यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया, वैसे साइन सारे ही सारे सारे साइन आ चुके हैं हमारे पास। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस हैं हमारे पास। ये दो कार्ड ही बता रहे हैं कि एक्शन के रूप में वो क्या करेंगे। एक्शन के रूप में कुछ दिनों बाद, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर में, वो आपको एक जजमेंट देंगे, यानी कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें आपको जजमेंट बताएंगे, यानी अपना फैसला बताएंगे उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। और डिसीजन के बाद में ये कार्ड आया हेरोफेंट का, तो हेरोफेंट ये एक्सक्यूज मी, तो हेरफेंड का कार्ड ही बताता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, आपके बारे में भी उन्होंने नॉलेज गेन की है और लोगों की बातें भी सुनी है। तो अब वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। इन डिसीजन में नहीं है कोई अटैचमेंट, है कोई बंधन है तो उसको तोड़ के आपके पास आना चाहेंगे और एक कमिटमेंट आपको देना चाहेंगे। डेफिनेटली पर्सन आपसे जरूर कुछ ना कुछ बातों की क्लियरिटी देंगे। तो आपके पास बिल्कुल डेफिनेटली एक कमिटमेंट आना आ सकता है, ये ऑफर आ सकता है बिल्कुल। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3 की। आपको कुछ भी रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।